Now, students, I will talk about another natural phenomena happening because of the reflection in the atmosphere, that is the advanced sunrise. Actually, we can see the sunrise 2 to 3 minutes before of its actual physical presence at the horizon. How it happens? देखिए कैसे होता है. This is the earth. Observer is here. यहां पे observer है और ये एटमॉस्फियर यहां से स्टार्ट हो गया. सो वी आर हैविंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर लाइक दिस. ओके, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज द होराइजन. ये क्या है? होराइजन है. अब सन इसके नीचे है. यहां पे सन है, एज्यूम कर लीजिए इस जगह पर. दिस इज द सन. सन इज हियर. सो रे ऑफ लाइट विल व्हेन स्टार्ट फ्रॉम हियर इट विल गो लाइक दिस टू दिस पर्सन. ये कौन है? ऑब्जर्वर है यहां पे. ये ऑब्जर्वर है. तो रे ऑफ लाइट, लेकिन जब रे ऑफ लाइट इसको यहां मिल रही है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये इस सन यहां पर कहीं है. तो सन तो एक्चुअली भी यहां पर है, लेकिन इसको यहां फील होगा ये सन. अब ये अभी मैंने आपको पहले बताया, जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ द ऑप्टिकल डेंसिटीज डिक्रीजेस. तो ये डिक्रीज करेगी. तो ये लेयर रेयर मीडियम, तो ये इसके लिए डेंसर. तो जैसे जैसे लाइट जाएगी ये नॉर्मल की तरफ को डेविएट होती चली जाएगी और फाइनली इट रीचेस टू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर और हम इसको 2-3 मिनट पहले सन को देख सकते हैं. इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डिलेड सनसेट. इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट. सनसेट हो चुका है लेकिन हम अभी भी उसको देख सकते हैं, 2-3 मिनट बाद तक देख सकते हैं. तो ये फिनोमेना हमारा कहलाता है डिलेड सनसेट. यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का ही रोल है. डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर होराइजन. दिस इज अ होराइजन. अब सन यहां पे जा चुका है नीचे, ये यहां पर जा चुका है. ठीक है, अगेन रेज आर कमिंग लाइक दैट. और ये ऑब्जर्वर हमारा यहां था, ये रे यहां तक पहुंच जाएगी इसके पास में. ठीक है, तो इसको भी यहां पर ये सन जो है इस जगह यहां पर इसको प्रेजेंट मिलेगा. वेन एवर यू राइट दीज टॉपिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या अभी मैंने आपको एडवांस सनराइज बताया, अभी मैं आपको डिलेड सनसेट बता रहा हूं, इन सारे में डायग्राम मस्ट है. और द टू वर्ड्स यू विल ऑलवेज राइट ड्यू टू
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतना आपने जरूर लिखना, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिलेड सनसेट इज। उसके बाद में आप एक्सप्लेन करते रहिए कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ऑप्टिकल डेंसिटीज डिक्रीज करती जा रही हैं, यहाँ सन है, सन से जो रेज चलेंगी ग्रेजुअली इट विल डेविएट टुवर्ड्स अ नॉर्मल और फाइनली इस तरह से पहुंचेंगी, और जब इस रे की डायरेक्शन में अलोंग दिस डायरेक्शन ये ऑब्जर्वर देखेगा तो सन इसको यहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज नोन एज द डिलेड सनसेट। इसी तरह से मैंने अभी आपको जो है बताया, यहाँ पर ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है कि जिसकी एक्चुअल हाइट है वो कुछ और नजर आती है हमको, स्टार तो यहाँ पे होता है, तो वो भी यही है कि जो रेज यहाँ पे आ रही है इस लाइन की डायरेक्शन में जब ऑब्जर्वर देखता है तो उसको ये स्टार यहाँ पे कहीं दिखाई देता है, ये तो इसकी हाइट तो ये है, तो इससे ज्यादा ऊंचा हाइट पर हमको दिखाई देता है। तो वेन एवर वी सी द स्टार तो इसकी जो अपेरेंट हाइट है इट इज हायर देन इट्स एक्चुअल वन। तो इसको ऐसे एक्सप्लेनेशन सब कुछ वही है, टॉपिक थोड़ा सा बदल जाता है जहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि अपेरेंट हाइट ऑफ द स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। हम क्या बोलेंगे, स्टार appears slightly higher than the actual position, जिसकी actual position उसे में थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।